ये देखो कैसे हाँ। दौड़ के आ रही, देखो क्या हुआ। तो ये देखो आखिरकार झूमर आई गई है इसके पास। क्या हुआ झूमर, आगे ऐसे खड़ी हो गई। क्या देखो क्या कैसे लग गई इसके। अरे तो मेरे लगी है, मेरे को लार कर तू। राम राम साहब, तो स्वागत है आप सभी का बावड़े चोरों की रोज टप्पे खाती व्लॉगिंग में। तो भैया आज वापस सावन का सोमवार है, हमारे कपड़े देख के आपको लग ही गया होगा महादेव जी को मनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो अभी ना करेंगे। मगर अभी हम क्या नहा के आए, नहा के आते ना तो वहाँ यहाँ आके हम कपड़े पहनते, जींस वींस पहनते। तो देखो पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन देखा होगा, देखो इधर देखो चड्डा विद कुर्ता, क्योंकि जींस अब हम यहाँ पहनेंगे, यहाँ आके वहाँ से नहा के आते हैं तो जींस इसलिए नहीं पहनते कि वो गंदी नहीं हो जाए। तो अब कपड़े पहनेंगे पूरे, फिर भगवान जी की पूजा वूजा सब कुछ करेंगे। और आज का दिन में क्या क्या लफड़े होते हैं, क्योंकि कल काफी लफड़े हुए थे, कल बहुत हेक्टिक दे था। आपको आज के ब्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगे कमेंट करके जरूर बताना। अरे मक्की अड जा रहे, ठीक है। ये देखो हमारी महारानी होगा, इसको झूमर को देखो बेटी खाज कर रही है लगातार, इससे देखना वापिस करेगी। अभी मैं सन बात ले रही हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसने मेरे को मैसेज भेज दिया है कि तेरे लग गई तो दवाई लगा ले। ओके, अब हम दवाई कौन सी लगा रहे पता है आपको, लाओ शंभू भैया जल्दी लाओ ये वाले टॉपी केयर, जल्दी दिखाओ इधर दिखाओ, कहा है फ्लैश शील्ड टॉपी केयर जो हम गायों के झूमर के लगती है लगने पे, तो ये इसके तो लगा रहे बहुत चीजें मारे चीजें, नहीं तो जींस खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी हमारी। लगाओ 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 लगाओ, जलेला जल जल जल, देखो 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 बस हाथ मत, कपड़ा लगा रुको। तो ये जो हम गायों के लगती है तो वो लगाते हैं वही टॉपी के लग। और आज से इसके लिए खाना भी वही है, चारा बाटा खाऊंगा, बाटा चारा ही बैठ के खाएगा साला। अब देगी उसको तो लाल शाम तक देगी, सही विजय एकदम, साले दूध किसको चुंगेगा। इसके लगी हुई के इलाज चल रहा है जो शक्ति ने गिराया था उस टाइम का। और दूसरी चीज, ये टॉपी केयर लगाने से पहले हम टॉपी केयर झूमर के लगाते थे ना तो ये उछलती थी भगती थी, तो मेरे को लगता था कि इनके जलता होगा, मेरा जल तो रहा है ही नहीं, ये तो मतलब नाटक करती है, नौटंकी करती है, देखो वो देख रही क्या पटका है एक बार ऐसा भाई, ये हुआ साफ कर दिया मैं पूरा। हमने सोचा था कि खुद का एक मेडिकेटेड किट लाएंगे जो इंसानों के काम आएगा, मगर हमारे तो यहाँ गायों का भी काम आ रहा है, बस तो नया लाने की जरूरत ही नहीं है। टोकड़े है ये हमारा, एक नया टोकड़ा है, तो जब हमारे गायों का काम आ रहा है तो हमारा नया क्यों खरीद के लाए। तो माँ होती है क्या भाई, ये देखो इधर आ गई झूमर, यहाँ गई है गेट पे आई है कि गेट खोलो मुझे दिखाओ क्या हुआ है, क्या हुआ है, मेरा टॉपिक कैसे काम में ले लिया, लेके आओ उसको, लाओ जल्दी झूमर, ये देखो कैसे लग गई, चलो चलो सादा पूछ के आते हैं, चाय बिस्किट पी के आते हैं, चाय बिस्किट खा के आते हैं, हाँ खा के आते हैं, चाय पियेंगे बिस्किट खाएंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, सादा पूछ लो, देखो 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 इतनी चिंता हो रही लगी कैसे, ये देखो कैसे हाँ। दौड़ के आ रही, देखो क्या हुआ। तो ये देखो आखिरकार झूमर आई गई है इसके पास, क्या हुआ झूमर, आगे ऐसे खड़ी हो गई, देखो क्या कैसे लग गई इसके। अरे तो मेरे लगी है, मेरे को लाड़ कर तू। नहीं कि तुम मेरे करो लगे, चाहे तुम्हारे या मेरे लाड़ मेरे को ही करो। साता पूछने आई है तो छाछ वाच भी पिलाई देते, झुमरी को ही है और किसी को नहीं है, मेरे को था नहीं ऐसे कि आएगी है? और उधर देख पीछे तो फायदा उठा रही है मौके का। बे शरम, तेरे को पिला दिया ना, तेरे आ रहा है क्या, हाथ में आएगा तो है नहीं है क्या झूमर। ओहो ओहो, झूमर को भी गुस्सा आ गया, अभी क्यों मेरे हाथ लगाया थन के, उसको झूमर को लग रहा है ये कौन मैंने पीछे बदमाशी, इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है, इधर से पी लिया उधर से निकाल दी। अरे एक बात समझ में नहीं आई, झूमर तू साता पूजने आई है या खुद की सेवा करवाने आई है अंदर है, या कुछ भी हो बे सेवा तो झूमर की आएगी। नहीं, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, ये इतना आगे सोच, वहां से एक आवाज में इसको बोला कि लग गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, तो सोचो इसके सामने कोई हमारे हाथ लगाएगा तो क्या होगा, वो तो देखा नहीं वीडियो में, एक सीटिंग कैसे आती है, शेर नहीं दौड़ता जैसे दौड़ती है, दौड़ती जा रहे हम। तो भैया हमारे यहाँ पास में एक रमेश भैया रहते हैं जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, कल मैंने इनको कहा था आप नया कारीगर ढूंढ के लाना,
पूरी की पूरी दिमाग खराब कर दी। क्या कहा था कि कारीगर ढूंढ के लाना, तो ये लोग इतने मेहनती होते हैं कि ये आपका एक रुपया भी वेस्ट नहीं करते। आप अगर इनको देते हो ना, ये आप अगर इनको 400 रुपए दोगे तो ये आपके यहाँ 800 रुपए का काम करेंगे। तो वो सुबह उठ के जल्दी फटाफट कारीगर ढूंढने गए ताकि 8 बजे आके यहाँ लग सके। ये तो हमें उनको लेने आने में लेट हो गया, नहीं तो उनका तो फोन 7:30 बजे आ गया था, यहाँ आ जाओ लेने। तो भैया जा तो हम लेबर को लेने रहते हैं, मगर रस्ते में महादेव जी का मंदिर आ गया, यहाँ तो साथ भगवान मिल जाए तो पहले धोख लगा लेते फिर बाकी काम करेंगे। चले चलो, ये सोमनाथ महादेव जी के आप दर्शन कर लो, हम आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि मंदिर में तो गए हम और शिव दांडव स्तोत्र में मगन हो गए, भूल गए हम तो दर्शन दर्शन कराना, व्लॉगिंग करना, और फिर बाहर आया तब याद आया अरे आप लोगों को तो दर्शन नहीं कराया, तो हमारे ये महादेव जी के कर लो। ठीक है ठीक है, बोला जय महादेव, जय महादेव। तो अभी हम ननियाल आए हुए हैं, वो पिछली बार जैसे आज सावन का सोमवार है तो मैं नानी से पूछ रहा हूँ पिछली बार जैसे लेके आएंगे आपके साबूदाने भी हो गए तो बदनाम करता नानी को पिछली बार लाए थे यार, देखो कैमरे के सामने नानी बदल दी, मैं तो अंदर क्या कह रही थी जाके है ना आज लेके आना खाने वाले सब उधर क्यों नानी सिंह जी रस्सियां काट रहे हैं, आ चुके हैं और इधर हम कर रहे हैं घी की पैकिंग, बढ़िया साफ सफाई करके प्रॉपर घी पैक कर रहे हैं ताकि आप तक शुद्ध घी पहुंचा जा सके। भैया सबसे मोटी समस्या हमारे क्या आ रही है पता है, हम जो ये माप रहे हैं ना घी को, ये दो तो घी के बर्तन कर दिए, ये कर दिया, हमारे मापने में होता है घी डुलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए हर बार, मतलब घी माप के लोगों को वापस पैक करने में सबसे बड़ी रामायण यही लगती है क्योंकि आप तक भी पहुंचे तो ढुले नहीं, क्योंकि ये घी नहीं अमृत है और अमृत का ढुलना अपशगुन होता है, इसलिए देखो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ना ढुले, एक बूंद भी नहीं ढुले क्योंकि ये हमको मम्मी ने सिखाया है। तो भैया ये रेडी है प्योर अमृत घी, देख लो जिस किसी को लेना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे और या ये कह लीजिए सामने नंबर मिल जाएंगे, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि भैया अगर 4,000 रुपए किलो या 5,000 रुपए किलो गुटखा खा सकते हो तो घी तो उससे कम ही भाव का ले सकते हो और आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आज इसका व्रत है, तेरा भी है क्या वालू? हाँ इसका भी व्रत है, चाय पीने के लिए चाय पिएगी? नहीं चाय नहीं पिएगी, चाय नहीं इंटरेस्टेड, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे चाय नहीं पीते, अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते, अच्छे बच्चे नहीं, हम तो अच्छे बच्चे ना। और वो देखो वो किसकी फेवरेट है, वो शंभू भैया की फेवरेट है, लाडो का तो ठेका शंभू भैया का। तो भैया कुछ इस प्रकार होता है आपका ऑर्डर किया हुआ घी पैक सील्ड और लीक प्रूफ, पूरा लीक प्रूफ सील प्रूफ। हाँ मेहनत लगती है घी को पैक करने में, आधा एक घंटा मगर शुरू शुरू में लगा रहे, काम करो तो ढंग से करो, ढंग से करो ताकि आप तक ढंग की चीज पहुंचे। सावन के सोमवार पहला घी डिलीवर वसुधा गोग्राम से, बाकी तो हमारा रेगुलर जा रहा था, वसुधा गोग्राम से पहला ऑर्डर हमने अब भेजना शुरू किया। हम लोग जा रहे हैं सिटी में है ना मोगू, कहाँ जा रहे हैं अपन? सिटी में जा रहे हैं घी डिलीवर करने, मोगू भी जाएगा है ना मोगू? ए मोगू वो अंदर गाड़ी में एसी चला रहा है, इधर भवानी सिंह जी काम कर रहे हैं और इधर ही हमारा छोटू है। मेरे आते ही सीट पे सेठ जी कब से हो गए, कहाँ बैठा रहे तू? सीट पे ये ले जा नीचे जा वापिस ऊपर चढ़ेगा देख रहा हूँ, और अब आके दूध खाएगा फिर देख देख तू देख तू देख तू देख कितना बड़ा हो रहा है देख तू। मेरे सीट पे कैसे बैठा तू? हैं नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, पीछे कहाँ जा रहा है? पीछे बेटा को हटा, आगे बढ़ेंगे, इधर आ साली बदमाश, इधर आ साली बदमाश, चल बैठ जा अपने से बैठ जा चल। तो ये देखो एक्सीडेंट हो गया, मारुति 800 ने प्लेटिना को ठोक दिया है, यही ठोक दिया और नीचे दबा दिया, यहाँ इतने सिंह में लपड़ा हो गया, माथे चढ़ रहा है उसे चढ़ेंगी और बाइक वाले पे चढ़ रहा है, अब गलती किसकी थी वो मेरे को पता नहीं, इसलिए कौन बेचारा है वो पता नहीं। नहीं यहाँ देखो कैसी बहन है, भाइयों का तो सोमवार का व्रत है और बैठ के सामने आलू पराठा खा रही है, चिढ़ा रही है जान बूझ के, बहनों के लिए भाइयों के लिए साबूदाने बना के रखे हैं, आलू छौंक के रखे हैं और मैंने लाके दिए तो अरे जानबूझ के आलू के पराठे सामने खा लिए जाके हमारा जी जले, वो उधर मम्मी जी आपको जी नहीं चलना चाहिए ना। हाँ तो ये ध्यान तुमको रखना चाहिए ना, क्यों आपको कंट्रोल नहीं होना चाहिए? मेरे तो जी मन नहीं हो रहा है, मगर मैं तो तेरी बता रहा हूँ कि तेरी ये इच्छा हो रही है। तो आज सोमवार को सबने व्रत किया है, मैंने किया है, नानी ने किया, नानी ने किया है, मैंने भी किया है, मामी ने भी किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है, इसको ऐसा इसका शरीर देखो, इसको व्रत ऐसा करना चाहिए कि आज सोमवार के दिन मैं डबल खाऊंगी तो भगवान इसे ऐसे राजी होंगे, भगवान ज्यादा राजी होंगे, चलो मेरे भक्त के शरीर के कुछ अंगे तो लग रहा है।
एड़ा मोगला इधर क्या कर रहा है मोगू? ए आई रेशु आई मोगली रेशु आई जा 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 सु सु मोगली सु देर में घुस रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग? बिट्टू से वो बोलते ना वसुधा गोग्राम का पहला ऑर्डर निकल रहा है तो सुहासनी से करवाना चाहिए इसलिए सुहासनी से करा रहा है। क्या करिए बिट्टू ये लिख रही है एड्रेस वगैरह चुपचाप देखना मोगली है ना नानी की हरी मैट के पीछे पड़ा है देखो मोगली अरे इसको पता पड़ गया मैंने कैमरा ऊपर किया बहुत ज्यादा समझदार है ये अब जैसे कोई हटेगा ना सब इस पे से नजर हटाएंगे देखो देखो ओह बहुत सीधा बच्चा इसने तो हाथ ही नहीं लगाया इसके है ना मोगली ए मोगली पायदान के पीछे ही तो पड़ा है ये। मामी पूछ रही है हमने मामी को कहा कि वहां पे आना कुर्ते चूहों ने कुतर दिए थे तो मामी पूछ रही है कैसे कुतरे तो मैंने कहा ऐसे मोगली बैठा यहाँ और कहाँ जा रहा है तू मुझे देना ठीक है तुझे तेरे जाते ही सबसे पहले दे सीट पे क्या हो रहा है एक नंबर का गधा है तू मरेगा मोगली सबसे पहले सीट पे बैठता है बैठू ए मोगलू तो ये देखो हम इतने ऊपर खड़े हैं वसुधा गोग्राम मचान जो बन रहा है ना मचान जो बन रहा है ना ऐसा मस्त लग रहा है एकदम दिखाता हूँ दूसरे दिखाते हैं आपको ये पीछे है पहाड़ ये है हम ऊपर यहाँ पे बनेगा मचान पूरा और ये फंस गया मोगली अंदर निकालो रे इसको बाहर मोगलू फंस गया अभी इस पे पूरी ढंग से पूरा एकदम झोपड़ी ओपड़ी बनेगी शानदार रात को यही रुकने का प्रोग्राम घाट यही लगाओगे शंभू भैया कह रहे घाट यही लगाएंगे ताकि ऊपर कोई नहीं है नहीं मगर आज ही हिल रहा है अभी इसका पक्का हो जाए उसके बाद फिर यहाँ सोएंगे इसको पूरा तैयार करेंगे कल तक ये तैयार हो जाएगा अगर आप सोचो यहाँ पर लुक क्या आएगा सोने का क्या मजा आएगा मतलब आपके सामने आँख खोलते ही ऐसे सामने राजेश्वर जी महादेव है ऊपर इधर वसुधा गोग्राम है इधर नीचे घोड़ी है हमारी इधर हमारा मोगलू है मतलब ये व्यू एक अलग ही व्यू है आनंद तो यही है रहने का। तो शंभू भैया इतने बड़े हो गए अब इनको हम दो लिखना सिखा रहे छह लिखो सही है चार लिखो हो गई लिखियो चार बड़ी चार यू बनी जो तो गलत बनाया दो प्लस दो लिख दो चार बारह लिखो मजा ले रहे और इसके की क्या हुए इसने अभी कोई जानवर खा लिया था जो क्या पता क्या इसके मुंह में से झाग निकल रहा था देखो दिखा मोगले दिखा क्या खाया अब दिख नहीं रहा वो क्या खाया इसने इसके बड़े आके इसके रूसा हुआ था इसको मैं ला रहा तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि इनके साथ रहते तो कुछ ना कुछ इनकी समस्या रोज लगी रहती है तो उसी तरह अभी धीनू ने तलड़े किए अचानक से हम बाहर जाके आए जब वीडियो यहाँ साइड में डाल दूंगा मैं देखना उसमें क्योंकि वैसे हम ले नहीं पाए थे फेंक दिया था तो इसको आज वो देनी पड़ेगी क्या बोलते हैं डीवॉर्मिंग करानी पड़ेगी क्योंकि देखो ये आज अचानक से इसकी पसलियां भी दिख रही है पेट भी दिख रहा है और वो देखो वो तैयार है उसकी मस्ती तैयार है ये हल्की से सुस्त लग रही है सुस्त इसने क्या किया पीछे से इसको खुली छोड़ के गए हमने देखा भरोसे में ले लिया भाई तीन दिन से मिट्टी नहीं खा रही है इसने तो पीछे धपसा भर के मिट्टी टेकी है तो अब उसका इलाज करना पड़ेगा अभी लेके आते हैं और डिवॉर्मिंग की गोली देते हैं दो चार दिन से दिन खराब ही चल रहे हैं दो चार दिन से क्या है कि कभी किसके क्या हो रहा है हाँ तो क्या हो रहा है शक्ति के ऊपर बैठे थे गिरे थे ना हाँ दिखा ये देखो ये घाव पक गया रस्सी हो गई इसमें यहाँ भी दर्द होने लग गया इसकी वजह से ये भी पक गया अंदर रस्सी हो गई ये यहाँ तो अब इंजेक्शन लगेंगे टीटनेस के घुड़सवारी बड़ी महंगी और मेरे को इंजेक्शन लगाने में डर लगता है चलो मेरे को जीवन हो रही टिटनेस का इंजेक्शन लगा लिया है दवाई लगा ली है
और वहाँ धेनु की तो वो नहीं मिली दवाई क्योंकि वो बंद हो गई थी जो वेटनरी वाली होती है। कल सुबह लेके आएंगे। आज का दिन भी थोड़ा सा ऐसा डिसमिस ही निकला। ये ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे गायें सेट होती है ना, जैसे हमारे लाडू सेट हुई थी उससे 15-20 दिन पहले ऐसे डिसमिस चला था। तो अब यहाँ सेट होगी जितने डिसमिस चलेगा 15-20 दिन महीने भर में फिर सब सेट हो जाएगा। आज के व्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जय राम जी की।